अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप? अच्छे हैं, खैरियत से। आज हम लेकर आए हैं इन्फिनिक्स का मॉडल जो है 0X Pro स्पेस कलर में। आपको दिखाते हैं कि ब्लैक कलर कैसा था, नेबुला ब्लैक और तुसानी ब्राउन कलर कैसा था, वुडन स्टाइल के साथ था। लेकिन इस स्पेस सिल्वर कलर को जो है हम 0X Pro को, इसकी हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी का जो मॉडल है A52 के साथ, और साथ के साथ एक मॉडल है वीवो का V21, V21 मॉडल और 0X Pro की हम स्पीड टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि ये मोबाइल है कैसे। अब हमने सिलेक्शन वीवो की V21 की क्यों की है और सैमसंग के मॉडल गैलेक्सी A52 की 0X Pro के साथ क्यों की है? क्योंकि कस्टमर्स जो हैं अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल्स पर या SMS के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले ऐसा भी हुआ है कि एक सैमसंग गैलेक्सी A52 का जो कस्टमर था उसने फ़ोन रिप्लेस किया है 0X Pro के साथ। तो आज हम देखते हैं इसकी स्पीड टेस्टिंग के थ्रू। साथ के साथ मैं बताता चलूँ कि इस हफ्ते हमारी जो कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस है वो ज़रा सी ख़राब रही है, क्योंकि हम जिस कंपनी के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर करते हैं तो उनके साथ कुछ मसले मसाइल थे। तो इंशाल्लाह कमिंग जो है 1 नवंबर से इजीली और सबको आसानी के साथ जो है कैश ऑन डिलीवरी होगी विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी सर्विस है। MNP कुरियर के थ्रू हमने बात की है। तो आइए देखते हैं हम कि इन्फिनिक्स 0X Pro का जो मॉडल है हमारा, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, स्पीड टेस्टिंग करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के साथ हर लिहाज से। तो ये है हमारे पास 0X Pro मॉडल हमारा और साथ हमारा A52। तो हम दोनों को ऑन करते हैं एक साथ ही। हमारा जो मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी A52, उसने पहले वाइब्रेट किया एज़ कम्पेयर टू द इन्फिनिक्स 0X Pro। लेकिन आगे देखते हैं कि ये मॉडल जो है दोनों सबसे पहले मेन्यू में कौन सा जाता है। तो सैमसंग गैलेक्सी A52 वर्सेस इन्फिनिक्स 0X Pro। तो 0X Pro की जो स्क्रीन है वो ऑन हो गई है और सैमसंग गैलेक्सी मॉडल जो है हमारा A52 वो अभी तक इस कोशिश में लगा है कि वो इस कंपटीशन में आगे बढ़ सके। लेकिन इसके ऑन होते ही हम देखते हैं आगे कुछ ऐप वगैरह हमने जो पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं उनको हम चेक करते हैं, उनको हम देखते हैं। साथ के साथ हम देखते हैं कि हमारे शायकीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐप हैं जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं। तो सबवे सर्फर, सबवे सर्फ जो गेम है हमारा, तो इन दोनों को हम बैक वक्त जो है ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑन होता है और किसकी लोडिंग बहुत जल्दी होती है। तो ये देखते हैं हम सबवे सर्फर। तो पॉइंट जो है हमारे वो इन्फिनिक्स 0X Pro को जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसने सबसे पहले ब्लिंक किया और उसने अपनी लोडिंग जो है ना वो कंप्लीट कर ली है, और अभी तक जो है सैमसंग गैलेक्सी A52 जो है वो लोडिंग कर रहा है। तो नाज़रीन और शायकीन, मुझे तो बहुत अफसोस है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 इस वक्त 0X Pro मॉडल से पीछे रह गया। लेकिन चले देखते हैं, इसके अलावा हम कुछ और ऐप हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं और उनको भी हम देखते हैं कि वो कैसे हैं, हमारे वो कैसे होंगे यानी कि यूज़ करने में। टेम्पल रन जो आम गेम है, बच्चे वगैरह सब खेलते रहते हैं, नौजवान भी खेलते हैं फुर्सत में, लेकिन देखते हैं दोनों को बैक वक्त ऑन करके कि कैसा रहेगा। तो ये हमारा टेम्पल रन है इन्फिनिक्स 0X Pro, लेकिन यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52 जो है वो बाजी ले गया 0X Pro से। तो सम हाउ वी कैन से दैट 0X Pro इज़ बेटर देन A52, बट A52 ने भी काम दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए हम आगे जाते हैं, मज़ीद 2 वीडियोज़ जो हैं हम उनको ऑन करते हैं और उनको देखते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा जो जो दूसरा मॉडल है, दूसरा ऐप जो है इसके साथ कैसा रहेगा। तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को हम अभी ऑन करते हैं, यहाँ देखते हैं कि 0X Pro में इंस्टाग्राम कहाँ पर है। ये हमारे पास इंस्टाग्राम, तो दोनों को एक साथ ऑन करते हैं। इंस्टाग्राम 0X Pro जो है बाजी ले गया यहाँ पर, उसने सबसे पहले ऑन कर लिया है, A52 उसके बाद रहा, पीछे रहा। लेकिन साथ में एक और ऐप भी मैंने इंस्टॉल की है ऑलरेडी, स्नैपचैट। तो उसको भी ऑन करके देखते हैं और उसके बारे में देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये है हमारा स्नैपचैट, स्नैपचैट को लगाते हैं, ऑन करते हैं। हमारा जो 0X Pro और A52 है वो इस वक्त स्नैपचैट की एक कंपटीशन में लगा हुआ है, लेकिन देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इस वक्त दोनों एक साथ ही तकरीबन ऑन हो गए हैं, लॉग इन और साइन अप तक बात रह गई है, लेकिन मेरे पास स्नैपचैट की कोई आईडी वगैरह है नहीं कि मैं इसको ऑन करूं। लेकिन अब इस तरह करते हैं कि हम इसको तमाम ऐप को क्लोज़ करते हैं और हम वाईफाई के साथ, दोनों मोबाइल मेरे ऑलरेडी कनेक्ट हैं, तो मैं यूट्यूब जो है यूट्यूब पर जाकर
YouTube में ऑन करता हूँ और अपने देखते हैं YouTube शॉप पे टेस्टिंग करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 वर्सेस इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो के साथ। तो ये हमारा चैनल है, हम इस चैनल पे जो सबसे पहली वीडियो हमारी ओपन हुई हुई है उसी को हम प्ले करते हैं एक साथ और देखते हैं कि स्पीड दोनों का कैसा है, टेस्टिंग करते हैं इसकी और बफरिंग के लिहाज से देखते हैं कि कौन सा मोबाइल है उसकी वीडियो स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने एक साथ प्ले कर दिया है, लेकिन इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो जो है उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ रही है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A52। तो हम अब इसको स्किप करते हैं, अपनी वीडियो को देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी जाती है आगे। तो बफरिंग स्पीड जो है इस वक्त वो A52 की बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है और साथ के साथ जीरो एक्स प्रो की थोड़ी सी पीछे है उससे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो प्ले करते हैं, देखते हैं कि आगे कैसा रहेगा। इसकी आवाज़ को हम कम करते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ ट्रिपल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो जो स्पीड टेस्टिंग हो रही है हमारी इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी A52 वर्सेस इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ वो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 मॉडल जो है उसकी जो ब्राइटनेस है ना वो ज़्यादा है। उसकी वजह यह कि इसका थीम जो है वो लाइट है और जीरो एक्स प्रो का जो थीम है वो डार्क थीम पे एक्टिवेट हुआ हुआ है। तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, यानी कि इतनी कोई फिक्र वाली बात नहीं है डिस्प्ले के हवाले से। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा जो जो मॉडल है वीवो का V21 उसकी स्पीड कैसी है और वो A52 से ज़्यादा अच्छा है या नहीं, इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो से ज़्यादा अच्छा है या नहीं। तो अभी हम इस मोबाइल को ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं और इस मोबाइल को हम टर्न ऑफ करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने दोबारा इसको ऑन करना है वीवो V21 के साथ। तो ये जो हमारा फ़ोन है इस वक्त जीरो एक्स प्रो इन्फिनिक्स का वो ऑफ हो गया है। जीरो एक्स प्रो मॉडल जो है उसकी हम स्पीड टेस्टिंग करते हैं वीवो का जो मॉडल है V21 के साथ। तो देखते हैं कि इन दोनों मॉडल में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है या कौन सा कितना ज़्यादा पानी में कितनी पानी में है। तो इन दोनों को हम सेम टाइम पे ऑन करते हैं, हमने बटन प्रेस कर दिया है, अब देखते हैं कि कौन सा मोबाइल। अच्छा, दोनों जो है सेम टाइम पे वाइब्रेट किया है और दोनों ने सेम टाइम पर जो है ना अपने डिस्प्ले को ऑन कर दिया है, लेकिन देखते हैं आगे के जब डिस्प्ले फुली ऑन हो जाए तो उस नज़र आ रहा है कि इन्फिनिक्स का जीरो एक्स प्रो जो है वो ओपनिंग टाइमिंग में सबकत ले चुका है वीवो के मॉडल V21 से। तो V21 से ना पीछे रह गए हैं, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A52 पीछे रहा है इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो से, लेकिन आगे जाके देखते हैं कि इनकी स्पीड कैसी होगी। तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप हैं जो मैंने डाली हैं पहले से, तो सबवे सफ़र गेम है हमारे पास, इसको हम एट अ टाइम ऑन करते हैं और देखते हैं कि स्पीड कैसी रहेगी। तो ये हमारा जो सबवे सफ़र गेम है जो कि इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो पे मेरे ख्याल से मिली सेकेंड के हिसाब तक ये ऑन हुआ है। तो ये लोडिंग कर चुका है जीरो एक्स प्रो और वीवो V21 ने कंप्लीट लोडिंग अभी की है। तो आपको नज़र आ रहा है वीडियो में किसकी स्पीड ज़्यादा है, वीवो V21 से जो है जीरो एक्स प्रो वो हमेशा आगे नज़र आ रहा है, जैसे कि A52 से जीरो एक्स प्रो आगे था। तो अभी टेम्पल रन को देखते हैं, हम उसको ऑन करते हैं सेम टाइम पे कि किसकी लोडिंग ज़्यादा जल्दी होती है और तेज़ होती है। तो जो नज़र आ रहा है लोडिंग के हवाले से वो ये है कि वीवो का जो हमारा मॉडल है V21 वो शायद आगे वो बिल्कुल सबकत ले चुका है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो से। तो आगे जा चुका है इस ऐप में जो है ना हमारा जो मोबाइल है इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो वो पीछे रहा है V21 से। तो हमारे जो नाज़रीन शायकीन हमारे यार दोस्त हैं जो हमें देखते हैं पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया गया है तो ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा सके। तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास एक ऐप है इंस्टाग्राम, तो इन दोनों को एक साथ हम प्ले करते हैं सॉरी ऑन करते हैं और देखते हैं कि स्पीड कैसी रहेगी। तो यहाँ स्पीड जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ मिली सेकेंड के हवाले से भी वीवो V21 आगे ही रहा है। आगे जाके देखते हैं हम YouTube की जो चैनल है उसको ऑन करते हैं, YouTube चैनल को हम ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर वीडियो के हवाले से कि बफरिंग में कैसा रहा है ये मॉडल V21 और जो हमारा इन्फिनिक्स मॉडल है जीरो एक्स प्रो। तो यहाँ पर एक वीडियो हम प्ले करते हैं जो पहले से ऑलरेडी प्ले ना हुई हो। ये हमारा जो हमने एक वीडियो बनाई थी जूमिंग के हवाले से, तो उस पर हम एक वीडियो बनाते हैं सॉरी उस पर हम टेस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वीडियो है इन्फिनिक्स के जीरो एक्स प्रो के हवाले से कैमरे के टेस्टिंग के हवाले से, उस वीडियो को हम प्ले करके हम स्पीड टेस्ट चेक करते हैं दोनों मोबाइल की कि V21 कैसा है और जीरो एक्स प्रो कैसा है। तो यहाँ पर जनाब हम क्लिक करने जा रहे हैं ऑन द सेम टाइम। तो यहाँ देखते हैं अभी हमारा जो मॉडल है V21 उसकी स्पीड
खासी तेज़ नज़र आई है। दोनों ऐड को हम स्किप करके देखते हैं कि स्पीड कैसी है। बफरिंग के हवाले से V21 जो है वो आप देख सकते हैं कि उसकी बफरिंग तेज़ है इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो से। सो हेयर क्रेडिट गोज़ टू द वीवो V21 मॉडल। लेकिन अभी इस वक्त जीरो एक्स प्रो जो है वो बफरिंग में ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो सेम वाईफाई, सेम राउटर है, सेम जगह पे है, और इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो जो है स्टिल उसकी बफरिंग ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है और बढ़ता जा रहा है। और वीवो का V21 जो है उसने भी ब्लैक एरे को भी क्रॉस नहीं किया, कि हालांकि जीरो एक्स प्रो ने इस ब्लैक एरे को क्रॉस कर लिया है। तो जीरो एक्स प्रो का जो मॉडल है वो बफरिंग में यहाँ तक आ चुका है, और ये वाला जो मॉडल है V21 अभी तक उसने अभी उसने ब्लैक कलर को ब्लैक एरे को क्रॉस किया है। तो नाज़रीन, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको कि इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो जो है वो काफ़ी चीज़ों में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, V21 से भी नज़र आया है और A52 से भी नज़र आया है। बाकी मैंने एक चीज़ नोट की है कि एज़ कम्पेयर टू A52, V21 जो है वो इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो के मुकाबले में A52 से ज़्यादा बेहतर रहा है। तो V21 को जो है ना वो सेकेंड नंबर पर मैं रखता हूँ, जीरो एक्स प्रो को मैं स्पीड के हवाले से वन पे रखता हूँ, और A52 को जो है मैं वो थर्ड नंबर पर रखता हूँ। इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे जीरो एक्स प्रो पर। उस पर मेरे जो खास दोस्त हैं जो कि पबजी के स्पेशल प्लेयर्स हैं, तो उन पर उनको मैं वो जीरो एक्स प्रो मोबाइल दूंगा और वो उस पर पबजी गेम खेलेंगे। हीटिंग के हवाले से, HDR के हवाले से, ग्राफिक के हवाले से, स्पीड के हवाले से, और टच सैम्पलिंग के हवाले से कि जीरो एक्स प्रो का जो मॉडल है हमारा वो गेमिंग में कैसा है। तो आज की ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा पसंद आई होगी और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अच्छा, मैं अपने तमाम नाज़रीन को बताता चलूँ कि कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम है वो इस वीक के लिए जो है ना हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहे कंपनी के साथ, जिसकी वजह से चंद एक हमारे जो कस्टमर हैं उनको मुश्किल पेश हुई हैं प्रोडक्ट को वसूल करने में। तो कमिंग मंथ जो है हमारा नवंबर का, नवंबर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान जो है हम विद इन 3 डेज कैश ऑन डिलीवरी करेंगे हर एक मॉडल की। जितने मॉडल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं या जितने मॉडल्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, आप अपनी पसंद की जो है ना इनके मोबाइल जो है हमसे परचेज़ कर सकते हैं, हमसे ख़रीद सकते हैं, और वो ऑर्डर जो है हम दिली खुशी से इंशाल्लाह आपकी तरफ रवाना करेंगे कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। थैंक यू सो मच।